जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला सैमुएल 25 अध्याय। आज हम पहला सैमुएल और 25 अध्याय को ध्यान करने वाले हैं और उसका 39 वचन मैं पढ़ूंगा। नाबान के मरने के हाल सुनकर दाविद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़ा और अपने दास को बुराई से रोके रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सर पर लाद दिया। तब दाविद ने लोगों को अबिगेल के पास इसलिए भेजा कि वह उसकी पत्नी होने की बातचीत करे। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और वो हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बढ़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करे। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे, इंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करे, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे। जहाँ हम गिर गए हैं प्रभु जी, फिर से आप इस वचन के द्वारा हम सबसे बात करे और हमें उठाए। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 25 अध्याय। आज हम 25 अध्याय को ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने 39 वचन एक ही पढ़ा है। आप पूरे अध्याय को जो है ध्यान कर सकते हो। मैंने जो वचन पढ़ा है इसमें लिखा है, नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाविद ने यहोवा को धन्य कहा। नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़ा और अपने दास को बुराई से रोके रखा। नाबाल को दाविद मारने वाला था, गुस्से से भर गया था नाबाल को, ताकि मैं जाके उसे मारूं और सुबह होने तक उसके घर में, परिवार में, उसके लोगों में कोई भी ना बचे। इस तरह से दाविद ने अपने मन में ठाना था नाबान के लिए, ताकि उसे मार दे। लेकिन परमेश्वर ने उसे रोका दाविद को, और परमेश्वर ने ही नाबाल को सजा दी। जब नाबाल जब मर गया, इस बात का जब दाविद को पता चला, तो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है दाविद कि परमेश्वर आपका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस बुरे काम को करने से रोका और मेरा मुकदमा जो है आपने लड़ा करके। आइए आज हम नाबाल के बारे में ध्यान करते हैं। हम वचन अगर 2 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे मोयाब में एक मौन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार और काम करता था, और वह पुरुष बहुत ही धनी था, और उसके 3,000 ऊंट, भेड़ बकरियां, 1,000 बकरी थी, और वह अपने भेड़ बकरियां का ऊन कतरता था, और उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबिगेल था। हे भाई और बहनों, एक पुरुष था मौन देश में, एक पुरुष रहता था, वो बहुत ही धनवान था, और उसका नाम नाबाल था। बहुत ही धनी था, और वो अपनी भेड़ों का ऊन कतर के कमाता था। मतलब कि सोचो कि वो एक बिजनेसमैन ही था। है भाई और बहनों, और उसका नाम नाबाल था, और उसकी पत्नी का नाम अबिगेल था। आज हम इन दोनों के बारे में ध्यान करने वाले हैं। हे भाई और बहनों, हमारे और आपके जीवन में एक ना एक दिन ऐसा जीवन और ऐसा दिन भी आता है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं, विश्वास भी करते हैं कि हमारी जितनी भी कोई भी कमी घटी या दुख और तकलीफ कितने भी क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे साथ है और उसका हमें जवाब भी देगा। यहाँ तक कि दाविद ने
परमेश्वर के लिए भजन लिखे। उसने जंगलों में सफ़र किया और उसने हर एक मुश्किल का सामना किया। उसने अपने दुश्मनों को माफ़ किया, उसने उस पर दया दिखाई। ये सब कुछ अब तक हम लोग दाविद के बारे में देखते हुए आए हैं कि किस तरह से उसने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया, प्यार किया, और फिर से वो अपने आप को तकलीफ़ में रखते हुए भी वो आगे बढ़ते गया। लोग उसके पास आए थे मदद मांगने के लिए, हमारी मदद कर। उसने अपने दुख और दर्दों को पीछे किया और खुद जाके लोगों की मदद की। ऐसा स्वभाव जो था दाविद का था। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ही दिन आते हैं, हम भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से सब कुछ मांगते हैं और परमेश्वर हमें देता है। लेकिन कभी कभी एक दिन ऐसा आ जाता है हम गुस्से से भर जाते हैं किसी के ऊपर और किसी की भी नहीं सुनते हैं और गलत करने की थाम लेते हैं। हे भाई और बहनों, दाविद के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब दाविद को पता चला कि नाबाल जो है बड़ा ही अमीर आदमी है, भेड़ बकरियां उसके पास बहुत है, एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है और उसकी उन जो है कतर रहा है, और उसके पास बहुत धन, खाने के लिए भी सब कुछ है, तो दाविद ने अपने 10 लोगों को नाबाल के पास भेजा और कहा कि नाबाल से कहना कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारा भला करे। ऐसी आशीष की बातें कह के सैनिकों को दाविद ने नाबाल के पास भेजा। नाबाल को जाके उन 10 लोगों ने आशीष दी और कहा कि परमेश्वर तेरे साथ होए, परमेश्वर तेरे साथ भला करे। हे भाई, नाबाल को ये बातें कहने लगे और नाबाल को सैनिकों ने ये भी कहा कि हमें ये आशीष देने के लिए हमारे राजा और चरवाहे ने भेजा है, उसका नाम दाविद है और वो आपसे एक मदद और सहायता चाहता है। जो कुछ भी हो सके हम हमारी सहायता कर, हमें खाने पीने के लिए कुछ दे। दाविद का नाम तो सुना होगा करके उसके सैनिकों ने जब नाबाल को कहा और नाबाल बोलने लगा कि दाविद कौन है, मैं दाविद को नहीं जानता। बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने राजा को छोड़ के, अपने स्वामियों को छोड़ के भाग जाते हैं, उनमें से एक है ये दाविद। ये भी अपने स्वामी, अपने राजा शौल को छोड़ के जंगलों में भाग रहा है। मैं भला इस व्यक्ति की क्यों मदद करूं, मैं नहीं इसे जानता हूं, चलो वापस अपनी जगह पे चले जाओ करके। लेकिन सैनिकों ने नाबाल को समझाया कि तेरे लोग जो थे, हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे तेरे लोग आते थे, भेड़ बकरियों को चराते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया और ना ही कभी हानि की। चाहे तो अपने आदमियों से, अपने सैनिकों से तुम पूछ सकते हो। नाबाल बोलता है मुझे ये सब चीज़ों का नहीं पता, चलो चलो अपना रास्ता नापो और चले जाओ। नाबाल ने दाविद को पहचानने से इनकार किया, नाबाल ने दाविद को कुछ देने के लिए भी मना किया, यहाँ तक कि ना उसकी बेइज्जती कर दी दाविद की कि वो तो अपने स्वामी के पास से भागा हुआ है। ऐसे लोग तो बहुत आते हैं, क्या मैं सबकी मदद करते हुए बैठा रहूं क्या करके। जब ये बात नाबाल ने सैनिकों को कही तो सैनिकों ने जाके दाविद को बताया कि दाविद ऐसा उसने कहा है। हे भाई और बहनों, जब ये बात दाविद को पता चली, दाविद ने अपने लोगों को कहा कि चलो अपनी अपनी तलवार ले लो, अपना अपना घोड़ा तैयार करो, आज रात को निकलेंगे, सुबह तक उसके घर में कोई भी बचना नहीं चाहिए। उसने हमारी बेइज्जती की, उसने हमें देने से इनकार किया करके दाविद आ गया गुस्से में और वो हो गया तैयार नाबाल को मारने के लिए और उसके घर और परिवार को भी। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ही होता है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं,
अच्छाई दिखाते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दिन भी आ जाता है जब हम विश्वास में आगे बढ़ते रहते हैं तो हमारे जीवन में कभी कभी लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बातें बोल के हमारे जब बेइज्जती कर देते हैं तो हम भी कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम भी फिर उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं और फिर उसे सबक सिखाने की भी कोशिश करते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो चुका है? आप बहुत सालों से प्रार्थना करते आ रहे हो, आप बहुत सालों से परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी किया है, आप हर संडे चर्च को जाते हैं, आपने आज तक बहुत सारे शत्रुओं को माफ कर दिया, बहुत सारे लोगों की हानि करने से आपने लोगों को रोका, बहुत सारे लोगों को आपने इंकरेज किया, बहुत सारे लोगों की आपने मदद की, मगर किसी एक ने आपकी बेइज्जती की, मगर उसकी आपने हानि करने की ठानी है, तो ये वचन जो है आपके लिए है। हे भाई और बहनों, जब ये बात का पता नाबाल की पत्नी अबिगेल को पता चला कि दाविद के लोग यहाँ पे आए थे, दाविद के लोगों ने मदद पूछी, लेकिन नाबाल ने मदद नहीं की, इसलिए किसी सैनिक ने बताया कि दाविद अब गुस्से में है, वो अब सुबह तक हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। हे भाई और बहनों, पर नाबाल की पत्नी जो थी बड़ी ही समझदार थी, वो नाबाल के जैसा नाबुद्धि नहीं थी, वो धनी थी, लेकिन उसे पता था कि क्या करना है ऐसे परिस्थिति में, अब क्या करे। उसने रातों रात अपने पति को भी नहीं बताया दाविद के लिए, दाविद के लोगों के लिए। रात भर वो रोटी ले, रात को रात रोटी ली, उसने जो चीज़ें भी खाने की थी उसके पास, सारी चीज़ों को लेके वो दाविद के पास चले गई। दाविद जो था तैयारी कर रहा था कि नाबाल को जाके मैं मार दूंगा, लेकिन वहाँ पे अबिगेल नाबाल की पत्नी दाविद के उठने से पहले, उसके जाने से पहले ही वो उसके पास जल्दी से जल्दी उसी रात पे पहुंच गए, उसके लिए रोटी लेके, उसके लिए दान लेके। हे भाई और बहनों, दाविद के सामने जाके उसने घुटने टेके और उसने कहा कि हमें माफ़ कर दो, मेरा पति जो है घमंडी है, उसे कुछ पता नहीं है और ना ही उसे आता है, वो अपने पति के बारे में ये बता रही है दाविद को, हे मेरे प्रभु, उस दुष्ट नाबाल पर चित ना लगा, क्योंकि जिसका उसका नाम है वैसे ही वो आप है, उसके नाम तो नाबाल है, सचमुच उसमें मुंडी पाया जाता है, वो तो बुद्धि नहीं है उसके अंदर, वो तो हर एक काम में नाबुद्धि है, उसका जैसा मन है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका स्वभाव है, उसके ऊपर दृष्टि मत कर और उसे माफ़ कर दे। मैं मेरे प्रभु, मेरे राजा, मैं दाविद को जानती हूँ, दाविद के साथ परमेश्वर है, दाविद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते आया है, दाविद ने कई लोगों को माफ़ किया है, उसने गोलियात को भी मार भगाया और सारे इसराइलियों को उसने माफ़ कर दिया है। हे दाविद राजा, आज हम पर भी दया कर, मुझ पे और मेरे पति के ऊपर भी दया कर और हमें क्षमा कर दे, वो तो नाबुद्धि था इसलिए मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ करके अबिगेल आके दाविद के पास आती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। हे भाई और बहनों, उस दिन दाविद ने उसकी हानि करने के लिए सोचा था कि मैं जाके उसे मार दूंगा, उसके परिवार को मार दूंगा, उसके सैनिकों को भी उसने तैयार कर लिया था, लेकिन तुरंत जब उसने आके माफ़ी मांगी अपनी पत्नी की तरफ से तो दाविद ने उससे माफ़ कर दिया। हे भाई और बहनों, माफ़ करके शांत हो गया और फिर उसने रोटी खाई। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है,
आज परमेश्वर हम सब से एक सवाल पूछ रहा है। हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना विश्वासी हों, चाहे हम कितनी भी बार प्रार्थना क्यों ना करते हों, चाहे हम कितनी भी सभाएं क्यों ना चलाती हों, चाहे कितनों का जीवन में हमने आशीष का कारण ही क्यों ना बने हों, लेकिन है तो हम इंसान ही। कभी कभी लोगों की बातों को सुन के गुस्से में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उसने मेरी बेइज्जती की, उसने लोगों के सामने मुझे पहचानने से इनकार किया, इसकी मैंने कितनी बार मदद की, लेकिन जब मैंने इससे मदद की पूछी तो ये मेरी बेइज्जती करके मुझे बोल रहा है कि मैं इसे नहीं जानता। हे भाई और बहनों, दाविद के जीवन में भी ऐसा हुआ था। दाविद ने भी कई बार अच्छाई की, भलाई की, लोगों को माफ किया और परमेश्वर की महिमा की, आदर की, लेकिन नाबाल ने जब कहा उसे कि मैं उसे नहीं जानता हूं, वो दाविद कौन है, बहुत सारे लोग हैं अपने स्वामियों के सामने से भाग के आ जाते हैं, क्या मैंने उनका ठेका ले रखा है, जब ये बात नाबाल ने कही तो दाविद को आया गुस्सा। हे भाई और बहनों, हम सबको कभी कभी गुस्सा आता है, हम सबको हमारे स्वभाव में जो है गुस्सा रहता है। हे भाई और बहनों, जब तक हम लोग इस शरीर में रहेंगे, इस शरीर में जब तक हम रहेंगे, शैतान इस शरीर को जो है बहुत ही बहकाते रहता है, बहुत ही सताते रहता है। कई बार इस शरीर को जो है हमें पसंद नहीं होता है, लोग हमारी बेइज्जती करें। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोगों को यही पसंद होता है कि सब के सब लोग उसकी आदर करें और उसके बारे में अच्छा ही बोलें। हे भाई और बहनों, लेकिन कभी कभी शरीर जो है बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता है और बदला लेने की कोशिश करता है। हे भाई और बहनों, दाविद को भी बेइज्जती की थी नाबाल ने, इसलिए उसे मारने के लिए थाना था। हे भाई और बहनों, उसने थाना तो था कि मैं जाके उसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर जिसकी वो महिमा करता था, जिसका वो आदर करता था, जो परमेश्वर आज तक उसे बचाते हुए आया, परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चे दाविद को गुस्सा आ गया है, शायद दाविद जाके उसको रात में कहीं मार ना दे, इसलिए परमेश्वर ने उसकी पत्नी एबिगेल को दाविद के पास भेजा। दाविद के पास जाके उसने अच्छे अच्छे बोल बोले, दाविद से जाके माफ़ी मांगी, और फिर दाविद ने उसे मारने से इनकार कर दिया कि अब मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं तुम पर भी दया दिखाता हूँ। हे भाई और बहनों, हम भी कभी कभी गुस्से में पागल हो जाते हैं, गुस्से में बहुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी लोग हमारे जीवन में वो लोग आते हैं जिन्हें हमें कभी मिले नहीं होते हैं, जिन्हें हमें कभी जिससे कभी हमें उन्हें देखा भी नहीं होता, वो लोग आके कभी कभी हमें सिखाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमें माफ़ करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए, हमें क्षमा कर देना चाहिए। हे भाई और बहनों, दाविद के जीवन में अबिगेल आ गई थी, दाविद का गुस्सा ठंडा करने के लिए परमेश्वर ने अबिगेल को भेजा था, ताकि वो दाविद को जाके समझा सके कि उसे नाबुद्धि की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसे परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे लोग आए गए होंगे, ऐसे लोग हमसे मिलते होंगे जिन्हें परमेश्वर ने भेजा होगा। दाविद के लिए अबिगेल को भेजा था, हमारे लिए भी किसी ना किसी को परमेश्वर भेजता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी गलत करने नहीं देता है। हे भाई और बहनों, अबिगेल ने आके जब उस दाविद से माफ़ी मांगी तो दाविद ने उसे माफ़ कर दिया, और उसके घर की हानि जो उसने करने के लिए थाना था उसे भी उसने रोक दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है अपने लोगों को कभी भी गलती करने नहीं देगा, चाहे उसका गुस्सा कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, वो हमेशा हमारे गुस्से को ठंडा करने के लिए, हम कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाएं, इसलिए वो समय समय के अनुसार जब हम कभी अपने ट्रैक से भटक जाते हैं तो हमारे लिए किसी ना किसी को भेजता है।
ताकि वो हमें उठा सके, हमें आगे बढ़ा सके, इंकरेज कर सके और हमें समझा सके कि हमें ऐसा नहीं करना है। हे भाइयों और बहनों, दाविद ने उसकी बातों के ऊपर ध्यान दिया। दाविद ने देखा कि मुझे तो ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे गुस्से में नहीं आना चाहिए, मैं अब इसको परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ। हे भाई और बहनों, इस बात के बाद दाविद ने अबीगेल को कहा, जा कुशल से अपने घर को जा, तेरी अच्छाई की वजह से आज मैं तेरे घराने को और तुझको और तेरे पति को नाश नहीं करूँगा, जा अपने घर चले जा। अबीगेल उसी टाइम अपने घर वापस आती है, आके देखती है उसका पति जो नाबाल था वो तो पी के अंधा हो रखा था, उसे कुछ होश भी नहीं था, नाच रहा था, गा रहा था, मस्ती कर रहा था। जब उसकी उतर गई तब अबीगेल ने जाके अपने पति को समझाया कि तुमने दाविद को पहचानने से इनकार किया, तुमने दाविद की मदद करने से इनकार किया, तुमने दाविद को कहा कि वो तो अपने स्वामी के पास से भागा हुआ आया है। ये बात का गुस्सा दाविद को आया और दाविद तुम्हें रात भर हो सकता है मार दिया होता अब तक, लेकिन मैं गई उसके पास, मैंने जाके उसे समझाया, मैंने उससे माफ़ी मांगी, इसलिए उसने आज हमको माफ़ किया है। इस बात का तुझे पता भी नहीं है कि रातों रात अगर मैं उसके पास ना गई होती तो आज तू मर गया होता। इस बात का जब बात नाबाल को पता लगी कि दाविद शान मुझे मारने वाला था रात में, तो इस बात से बड़ा ही चिंतित हुआ। को वचन में लिखा हुआ है कि 10 दिन के बाद में उसकी मौत हो गई। इस बात का दाविद को पता चला कि नाबाल जो है मर चुका है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का आके दाविद धन्यवाद दे रहा है, कह रहा है, परमेश्वर मैं इसे मारना चाहता था, मैं इसकी हानि करना चाहता था, मैं इसके परिवार को, इसके बच्चों को, इसकी बीवी को, सबको मार देना चाहता था, नाश कर देना चाहता था। ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये सब करने से रोका, आपने उसकी पत्नी को भेजा मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए, आपने मुझको जो मुझे चाहिए था सब कुछ आपने दे दिया और मेरा बदला जो है नाबाल से आपने लिया, आपने उसे मार दिया, मेरा मुकदमा लिया, लड़ा, मुझे पाप करने से रोका, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ करके दाविद परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर ने उसे गलत काम करने से बचाया। हे भाई और बहनों, जब हम भी गुस्से से पागल हो जाते हैं तो किसी की बात नहीं सुनते हैं, हानि करने की सोचते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों के पास किसी एक को भेजता है, अपने दूतों को भेजता है, किसी एक के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है और हमें वो पाप करने से रोकता है। हे भाई और बहनों, अगर हम भी उस समय ये पाप करने से रुकते हैं तो भाई और बहनों, जैसा मुकदमा दाविद का नाबाल से परमेश्वर ने लड़ा, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी लड़ेगा। हे भाई और बहनों, नाबाल 10 दिन के बाद मर गया। हे भाई और बहनों, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है दाविद। हे भाई और बहनों, उसने परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपा कि परमेश्वर मेरे लिए अब तू लड़, मैं इसकी हानि नहीं करूँगा, अब जो कुछ भी करना है परमेश्वर करेगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों की निंदा करना, परमेश्वर के लोगों को मैं इसे नहीं पहचानता हूँ, परमेश्वर के लोगों को भुला भरा कहना, हे भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को कहना, परमेश्वर का दास था दाविद, परमेश्वर ने उसे चुना था, उसका अभिषेक किया था, परमेश्वर की आत्मा जो थी दाविद के साथ रहती थी। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर के लोगों की, अभिषेक किए हुए लोगों की, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, अगर उन्हें हम बेइज्जती करेंगे, नहीं पहचानेंगे
और अगर उसकी मदद भी नहीं करेंगे तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है, आप और हम कैसे जी रहे हैं, क्या आपको प्रार्थना करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद में भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई और बहनों इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। गुस्से को ठंडा कीजिए, अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, परमेश्वर ही हमारी सहायता और मदद करेगा। जैसे ही नाबाल मर गया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया दाविद ने कि मुझे ये पाप करने से परमेश्वर ने मेरे हाथों को रोका। आपके हाथों को भी परमेश्वर रोकता है कि कोई भी पाप ना करो। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ होता है, परमेश्वर हमेशा आपकी और मेरी आवश्यकता क्या है वो सारी चीज़ों को जानता है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसे के ऊपर वेट करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। परमेश्वर ऐसा विश्वास ऐसा स्वभाव हम सबको दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे और 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।